खबर रीवा से है, जहां रीवा एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवानी चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चुरहटा, निरीक्षक श्रृंगेश राजपूत एवं स्टाफ तथा साइबर टीम द्वारा विश्वसनीय मुखबिर की सूचना के अनुसार रिलायंस पेट्रोल पंप के पास ग्राम अगडाल हाईवे रोड में परिवहन कर रही सफेद रंग की लग्जरी कार सफारी क्रमांक MP17CC1337 को चेक करने पर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा की खेप कुल 27 किलोग्राम कीमत लगभग 3 लाख रुपए की तस्करी करने वाले आरोपी वाहन स्वामी चालक चंद्रधर द्विवेदी पिता बहोरलाल द्विवेदी उम्र 28 वर्ष निवासी बहुरी बांध थाना चुरहटा रीवा से बरामद कर आरोपी वाहन स्वामी चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ कर अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी से संबंधित अन्य जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। आइए सुनते हैं नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी द्वारा क्या जानकारी दी गयी। ये आज दिनांक को एडीजी सर, डीआईजी सर और एसपी सर के मार्गदर्शन और निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई की गई है चुरहटा पुलिस द्वारा, और साथ में इसमें साइबर की टीम भी थी जिसमें से हमें 27 किलो गांजा बरामद हुआ है और जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है, और इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, आरोपी एक ही है और जिसको गिरफ्तार किया गया है, और ये गाड़ी से गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। मैडम, ये कहाँ पकड़ा गया और कैसे पकड़ा गया? ये ग्राम अगडाल के पास पकड़ा गया है, और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से गांजा की खेप लेकर और यहाँ बहुरी बांध गांव का रहने वाला है, तो यहाँ पर इसका सप्लाई करने वाला था, और इसी पर से जैसे ही हमें मुखबिर से सूचना मिली तत्काल घेराबंदी की गई, सारी टीम्स एक्टिव हुई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में। इसके बाद जैसे ही यह पहुंचा तो इसको तत्काल पकड़ा गया और इस पर कार्रवाई की गई है। साथ ही इसकी सफ़ेद कलर की सफारी लग्जरी कार भी जब्त की गई है जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इसके पूर्व के अभी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, इसके संबंध में जाँच की जा रही है, और अभी पूछताछ में जो चीज़ें इनिशियल स्टेज पर सामने आई है तो अभी कुछ टाइम पहले से ही इसने ये धंधा करना स्टार्ट किया है। इसके जो अन्य साथी हैं वो जेल चले गए हैं जिस कारण से इसके द्वारा इस धंधे में इन्वॉल्व होना बताया गया है, और साथ ही इसको नंबर वगैरह मिले थे छत्तीसगढ़ से जहां से गांजा की खेप सप्लाई होती है, तो उसने कॉन्टेक्ट करके वहाँ से फिर गांजा लाना बताया है। ये गांजा अपने गाँव लेकर जा रहा था, बहुरी बांध का रहने वाला है, वहीं से इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था। पुलिस कैसे मतलब पकड़ी, किस तरीके से? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मेन मुखबिर की सूचना है जिसके आधार पर जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी और अन्य जो भी जांच के दौरान चीज़ें पाई गई उससे इसकी पहचान की गई और इसको तत्काल घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इसके साथ कितने लोग थे लगभग? इसके ये अकेला ही था और ये उस वाहन का मालिक भी है और साथ अकेले लेके ही आया था पूरा गांजा, और इसके साथ कोई अन्य आरोपी नहीं मिला है।